किया गया दोस्तों के प्रतिकर के लिए है या किसी पुरकी या खरस्तम के लिए जंगम संपत्ति के प्रति है तो उस न्यायालय में संस्कृत किया जाएगा जिसकी अधिकार स्थानीय सीमाओं में संपत्ति स्थित है। और जहाँ प्रतिवाद या निमित्त धारित कोई व्यक्ति कोई अनुतोष के लिए ऐसे संपत्ति के प्रति किए गए दोस्तों प्रतिकर के लिए कोई दावा करते हैं तो उस न्यायालय में जिसमें वो संपत्ति स्थित है या प्रतिवादी जहाँ वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है कारोबार करता है या विलाम के लिए सेक्शन 17 में है विभिन्न न्यायालयों के अधिकारता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के अनुवाद जहाँ कोई बात विभिन्न न्यायालय के अधिकारता की स्थावर संपत्ति के अनुतोष के लिए या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के प्रतिकर के लिए है तो वहाँ ऐसे न्यायालय में संस्थित किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई वाद उस वाद की पूरे उस पूरे दावे का जो विषय वस्तु के अंदर हुआ है उस न्यायालय द्वारा संज्ञेय होना आवश्यक है। फिर जहाँ अधिकारता की स्थानीय सीमा अनिश्चित है वहाँ का वहाँ वाद संस्थित किए जाने का स्थान जहाँ ये अभिवचन जहाँ ये अभिगतन किया जाता है कि यह अनिश्चित है कि दो या दो से अधिक न्यायालयों में से किस न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाए वहाँ उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय ये अभिगतन नहीं ये अभिनिश्चित करता है कि अनिश्चितता के लिए कोई आधार है और उस वाद का वह अभिगमन करते हुए सुनवाई के लिए सक्षम होगा और उसमें वह आगे कार्रवाई जारी रख सकेगा और इससे संबंधित कोई भी डिग्री और वाद के लिए वह उसी प्रकार माना जाएगा मानो उसकी स्थानीय अधिकारता के भीतर वह वाद वह संपत्ति स्थित थी परंतु इस प्रयोजन के लिए वह न्यायालय उस वाद की वस्तु और मूल्य से संबंधित किसी भी संज्ञान के लिए सक्षम होना जरूरी है। फिर 2(1) में जहाँ उधर एक अभिलिखित नहीं किया गया है और अभी अपनुक्षण न्यायालय द्वारा न्यायालय में किसी आदेश या डिग्री के बारे में यह कहा गया है कि वह जिस स्थान पर यह आक्षेप किया गया था जो संपत्ति स्थित है उस न्यायालय की अधिकारता में नहीं थी तो अपील या अपनुक्षण न्यायालय तब तक निकाल नहीं करेगा जब तक कि उसकी यह राय नहीं हो कि ऐसा आदेश देने वाले न्यायालय की अधिकारिता के लिए कोई अनिश्चितता के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है जिससे न्यायालय की निष्फलता परिणाम स्वरूप उसकी निष्फलता हुई है। 19 में शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए बाद जहां बाद शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए दोषों के लिए जहां दो से एक न्यायालय के अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय के अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है तो वादी के उक्त आवेदन पर वादी के विकल्प पर दोनों में से किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा अन्य वाद वहाँ संस्थित किए जा सकें सेक्शन 20 है अन्य वाद वहाँ संस्थित किए जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करता है वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। अन्य परिसीमाओं का अधीन रहते हुए हर वाद न्यायालय की ऐसी सीमाओं के भीतर जो प्रतिवादी निवास करता है जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी है वहाँ में से हर एक प्रतिवादी ऐसे वाद के प्रारंभ के समय निवास वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करते हैं कारोबार करते हैं अभिलाभ के लिए सभी काम करते हैं अथवा जहाँ पर एक से अधिक प्रतिवादी है वहाँ उनमें से कोई भी प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय निवास करता है कारोबार करता है अभिलाभ के लिए सभी काम करता है परंतु ऐसे प्रयोजन के लिए या तो न्यायालय की इजाजत ले ली गई है या जो ऐसे प्रतिवादी जो उपरोक्त रूप से निवास नहीं करते हैं कारोबार नहीं करते हैं अभिलाभ के लिए सभी काम नहीं करते हैं वैसे वाद के संस्थित किए जाने के लिए उपमत हो गए हैं या वाद का पूर्णतया भारत उत्पन्न अधिकारिता के बारे में आक्षेप वाद लाने के स्थान के बारे में या न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी किसी आक्षेप के बारे में या निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बारे में कोई भी आक्षेप उसकी सक्षमता के बारे में किसी अपील या पुनः न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर या उन सभी मामलों में जिनमें विवादक स्थिर किए जाते हैं ऐसे स्थिरकरण के समय या उसके पहले या उसके परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता नहीं हुई हो। 21A में है कि वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिग्री का एहसास करने का वर्जन उन्हीं पक्षकारों के बीच व्यत्पन्न अधिकार के अधीन भैया उनमें से कोई दावा करते हैं किसी पूर्ववर्ती वाद में पारित डिग्री की विधिमान्यता किसी स्थान के बारे में आक्षेप पर ऐसे वाद को संस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। 22 में है जहाँ एक से अधिक न्यायालय में वाद संस्थित किए जा सकते हैं उन्हें अंतरित करने की शक्ति जहाँ कोई वाद दो या अधिक न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया जा सकता है और उनमें से एक में संस्थित किया गया है तो प्रतिवादी अन्य पक्षकार को सूचना देने के पश्चात यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर और उन सभी मामलों में जिनमें विवाद स्थिर किए जाते हैं ऐसे स्थिरकरण के समय या उसके पहले अन्य न्यायालय में अंतरित किए जाने के लिए आवेदन करता है और वह न्यायालय जिसमें आवेदन किया गया है वह ऐसे प्रतिवादों के आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात वह यह अवधारित करेगा कि किस न्यायालय में यह मामला वाद चलेगा वह आधारित करेगा किस मामले में वाद चलेगा। फिर 23 में किस न्यायालय में आवेदन किया जाए ऐसा तो उस न्यायालय में जहाँ ऐसा न्यायालय अपीलीय अधिकारिता के जो एक अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ है तो वह धारा 22 के दिन आवेदन अपील न्यायालय को किया जाएगा और जहाँ उच्च न्यायालय विभिन्न अपील न्यायालय के अधीन होते हुए भी एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है तो उच्च न्यायालय में किया जाएगा और जहाँ विभिन्न न्यायालय में उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ है तो वहाँ उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह न्यायालय स्थित है जिसमें वाद किया गया था। 24 में अंतरण और प्रत्यान की साधना शक्ति किसी पक्षकार के आवेदन पर और अन्य पक्षकार को सूचना देने के पश्चात और जो सुनवाई के इच्छुक हो उनको सुनने के पश्चात या स्वेच्छा से उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी प्रकरण पर किसी वाद या कार्यवाही या
किसी वाद अपील या अन्य कार्यवाही जो उसके समक्ष लंबित है या विचार निपटारे के लिए लंबित है तो अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो ऐसा करने के लिए सक्षम है, या किसी अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी वाद कार्यवाही या अन्य कार्यवाही का प्रत्याहरण कर सकेगा, उसका सभी निपटारा कर सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी सक्षम न्यायालय को ऐसा निपटारा या विचार करने के लिए भेज सकेगा, या ऐसा विचार निपटारे के लिए जिससे प्रत्यंतर किया गया था उसी न्यायालय को वापस प्रत्यंतर कर सकेगा, और इस धारा के लिए अंतरण आदेश के विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए या तो उसका पूर्ण विचार करेगा या ऐसे प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा जहाँ से उसका प्रत्यारण या अंतरण किया गया।